नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आनंद राज और आप देख रहे हैं राज रिसर्च सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में हॉस्टल कैसे मिलता है और हॉस्टल की जो फीस होती है वो कितनी होती है। साथ ही हम ये भी जानने वाले हैं कि हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए और हॉस्टल में रहने के लिए क्या क्या रूल फॉलो करने पड़ते हैं। साथ ही हमें हॉस्टल में रहने के क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, हॉस्टल के पॉइंट बाय पॉइंट सभी बातें आपको बताने वाला हूं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पॉलिटेक्निक से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो आपको मिल सके। तो चलिए बात करते हैं कि हॉस्टल कैसे मिलता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, उसके बाद एक वन मंथ के बाद आप जैसे ही पढ़ने जाते हो कॉलेजेस में, तो आपको हॉस्टल अलॉट किया जाता है, जिस समय आपको की एक रसीद दिया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, उसमें आपका हॉस्टल फीस लिखा होता है और उसमें होता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए अलग होता है और वहीं प्राइवेट और अगर सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो उनके लिए फ़ीस अलग होता है। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की हॉस्टल फीस की बात करें तो उनका जो फीस होता है 1000 रुपये पर ईयर होता है, मतलब एक साल में मात्र 1000 रुपये ही पूरे हॉस्टल का फीस देना होता है। साथ ही अगर हम बात करें कि प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट में कितना लगता है, तो उनका जो फीस होता है उनका होता है 2000 रुपये पर मंथ होता है, उनका जो होता है मंथली होता है 2 से 3000 रुपये। और अगर हम बात करें कि हॉस्टल में रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो हॉस्टल में रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और साथ ही फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी, जैसे कि आपका टेबल हो गया पढ़ाई के लिए, उसके बाद कुर्सी भी दी जाती है, साथ में आपका बेड भी मिलेगा, लाइट्स फैन सारी व्यवस्थाएँ आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। और हॉस्टल के अंदर में ही आपको जो है वाशरूम ये सब मिलेगा। और अगर हम बात करें कि हॉस्टल में रहने के फ़ायदे क्या है, तो हॉस्टल में रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर आप स्कॉलरशिप भरते हो उस समय, अगर आप एक हॉस्टेलर हो, मतलब कि हॉस्टल में रहने वाले बॉयस या गर्ल्स हो, तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगा उस समय दूसरे स्टूडेंट्स की अपेक्षा आपको अधिक स्कॉलरशिप मिलेगा, क्योंकि आप हॉस्टल में रहते हो और हॉस्टल का फीस पे करते हो, इसीलिए आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो अधिक मिलेगा। और अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, मतलब कि कम मिलेगा, मिलेगा बट कम मिलेगा जो हॉस्टल में रहता है। जैसे कि अगर हॉस्टल में कोई लड़का रह रहा है तो उसका जो स्कॉलरशिप आएगा उसका 2-3000 रुपये अधिक आएगा। साथ ही बात करते हैं कि हॉस्टल में रहने के लिए क्या क्या करना होता है, तो हॉस्टल में रहने के लिए आपको डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा फॉलो करना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि आपका जो लिविंग ऑफ स्टाइल है वो पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा। आपको सीनियर्स की रिस्पेक्ट करने होंगे और साथ ही सीनियर्स की भी नहीं बल्कि जूनियर्स के भी रिस्पेक्ट करने होंगे और आपस में बात भी अच्छे तरीके से करना होगा। और आप बहुत ही अनमेच्योर तरीके से हॉस्टल में जाते हो, जैसे हॉस्टल में जाते हो तो आपको कुछ ही मालूम नहीं रहता है, लेकिन आपको डिसिप्लिन इतना वहाँ पे सख्त होता है कि आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कि हॉस्टल में कैसे कैसे रहना है और क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं। और अगर हम बात करें हॉस्टल में रहने के बाद खाना कैसे, मतलब खुद बनाना होगा या मेस में खाना मिलेगा, तो मैं बता दूँ कि वहाँ पर मेस की व्यवस्था होती है और मेस का जो चार्ज होता है वो करीबन 2200 से 2500 रुपया होता है, मतलब कि पर मंथ अगर आप मेस में खाना खाते हो तो 2200 से 2500 रुपया होता है, कि जो कि प्रत्येक कॉलेज का अलग अलग चार्जेस होता है। कोई कॉलेज 2000 चार्ज करता है तो कोई कॉलेज 2200 चार्ज करता है, इस तरह करके मेस होता है। तो मेस जो होता है वो प्राइवेट होता है, इसीलिए आपको उसमें अच्छा खासा पे करना होगा। वही बात करें अगर आप मेस में नहीं खाना चाहते हो, आप खुद से बनाना चाहते हो, तो वह आप अपने रूम में बना सकते हो और आपका जो खाने का खर्च आएगा वो वही 1500 रुपये आएगा अगर खुद आप बनाते हो। तो ये थी हॉस्टल से जुड़ी जानकारी जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अगर पॉलिटेक्निक से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो सबसे पहले हमारे चैनल में दी जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।